कर्नल सर ने बोला था कि पहले पेपर सॉल्व कराना पूरा। तो आप निकालो अपना अपना पेपर ले लीजिए, साथ में क्वेश्चन रिटर्न भी नहीं करना है, पेपर को आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी। आप अपना ले लीजिए बेटा पेपर, लास्ट स्टूडेंट वीरेंद्र अपना पेपर निकाले, ले रखा आपने अपना पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना अवर मिल्की वे, तो बहुत सिंपल आंसर था। अगर मतलब आपने क्लास नहीं ली वो एक अलग बात है, आप साथ में देखते जाना। आंसर था स्पाइरल, लिखा हुआ था बाकायदा, रिटन में भी दिया है और वर्बली बताया था। लाइट ईयर बताया था कि लाइट ईयर क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वन ईयर, एक ईयर के अंदर जो लाइट ईयर का बताया था वही सेम। इनकरेक्ट थर्ड क्वेश्चन था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो वो क्या था आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, मेन चीज क्या है ये भी ध्यान रखनी है कि जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो किसी और क्वेश्चन का आंसर भी हो सकते हैं, कोई और क्वेश्चन भी उसमें से बन सकता है। तो आप पहले तो क्या करना है, जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको डिलीट करते जाओ। तो ये बिल्कुल अपने को पता है कि ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। जैसे कि सेकंड ऑप्शन आपका सोलर इक्लिप्स विल टेक प्लेस ओनली ऑन ए फुल मून, फुल मून डे नहीं होता है, क्या होता है न्यू मून होता है। तो एक तो यहीं पर आपका क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो एक जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द सन मून एंड द अर्थ, ये जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं, अर्थ सन और मून जब तीनों एक लाइन में होते हैं तब क्या बनता है आपका सालार इक्लिप्स बनता है। देन उसके बाद सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, दो कंडीशन बताई थी मैंने आपको, सन अर्थ मून और एक अर्थ मून और सन। इस कंडीशन में क्या बनता है वीरेंद्र, सन अर्थ मून इस कंडीशन में क्या बनता है, क्या बनेगा फुल मून और या न्यू मून, क्या बनेगा सन अर्थ और मून की जब कंडीशन होती है तो इसमें इस कंडीशन में क्या बनता है, फुल मून बनता है न्यू मून बनता है। क्लियर है, कंफर्म चेक कर लेना अपना। इम्स में जब अर्थ मून और सन जब ये कंडीशन बनती है तब क्या बनता है, फुल मून बनता है नहीं बनता, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं करते हो मेनली, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है बेटा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपकी क्वेश्चन बन रहे हैं और यही फिर आप इस तरीके से इनको डिनाई करते रहोगे तो नहीं बैठेगा फिर आपका। तो ये आपका न्यू मून की कंडीशन है। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, तो फर्स्ट आपका क्लियर है राइट है, सेकेंड ऑप्शन आपका सोलर इक्लिप्स विल टेक प्लेस ओनली ऑन ए फुल मून, तो फुल मून नहीं बनता, सोलर इक्लिप्स में क्या बनता है आपका न्यू मून बनता है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट कॉज चेंज इन सीजन, सीजन में आपका बेटा गलत था वीरेंद्र, आपका गलत है ना ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर होगा रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वन, जब अर्थ अपने रोटेट करती है रेवोल्यूशन करती है वो आपकी कंडीशन रहेगी। वन लाइट ईयर का इक्वल किससे करते हैं, मैंने तीन या चार डेटा में आपको लिखवाया था, किलोमीटर में भी लिखवाया था, मीटर में भी लिखवाया था और सेंटीमीटर में भी लिखवाया था। सिंपल डेटा है 9.46×10^12 किलोमीटर, आपका ऑप्शन राइट है। फिर सिक्स क्वेश्चन है आपका, सिक्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन कौन से वाला, विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ। ये आपका ऑप्शन दिया था कि नियरेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है, तो आप इजीली इसमें कर पा रहे हैं, इस तरीके से करेंगे आपको सेम वही प्रोसीजर याद रखना है, कौन सा वाला कि सिक्वेंस याद रखना, सिक्वेंस के हिसाब से बात करें तो सिक्वेंस के हिसाब से आप बताओ कि सिक्वेंस कौन सा होगा आपका, मरकरी वीनस, सिक्वेंस बोलो सबके सब एक साथ, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून, बिल्कुल सिंपल आपका यही रहेगा, ये सिक्वेंस रहेगा। इसी में पूछा है कि जो नियरेस्ट अर्थ की जो नियरेस्ट है वो कौन सा आपका, अर्थ के नियरेस्ट है वो कौन सा है, वीनस। सबसे फर्स्ट कौन सा आता है, मरकरी आता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ ए यूनिक टाइप ऑफ रिंग, अपन एक में स्पेशल है, जब अपन बात कर रहे थे किसकी, ये किसी बात कर रहे थे अपन सैटर्न की बात कर रहे थे, सैटर्न में क्या था आपका, आपकी एक यूनिक टाइप का जो रिंग है एक छल्ला है वो आपका इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट स्ट्रोबोली ऑल्सो निक नेम एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, इटली के अंदर है। अलग अलग आप ध्यान रख सकते हो, कौन से वोल्केनो का एग्जांपल है ये,
एक्टिव वोल्केनो, यहीं पे क्लियर करते जाओ। ये पेपर है ना, मैंने एक स्टूडेंट का, इसीलिए इसको पूरा एनालिसिस करने का तरीका ये होता है, आपको ये पेपर मिलेगा, देन आफ्टर आप देखना कि एनालिसिस कैसे करते हैं पेपर का, आप सारे क्वेश्चन किस तरीके से, जो आगे ऑप्शन दिए उसमें भी आप किस तरीके से निकाल सकते हो, वो ध्यान में रखने। तो इसी में लिख लीजिए, इटली आपका क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है, सॉरी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी क्या आपका, जिसे स्ट्रांबोली है उसका निक नेम ये दिया है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, और इसकी लोकेशन भी कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी के पास में है, और ऑप्शन क्या है आपका, कंट्री में इटली आपका नेम है, तो आप इटली यहीं पे आपको क्लियर कर लेना है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एक्टिव वॉल्केनो का क्या है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मास, ये तो ये टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, नेक्स्ट टाइम इसका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है, इतने सारे एरर हैं, अगर ये पेपर बाहर जाता है तो वो अपने लिए सही नहीं होता है, इतने सारे एरर जाना सही नहीं है। द मोस्ट अब्रेंट एलिमेंट फाउंड इन द ऑन द अर्थ, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली दो बातें, इसने पूछा है अर्थ का, ये अपन ने पढ़ा है एटमोसफेयर का, और एटमोसफेयर में अपन ने सबसे ज़्यादा कौन से किसकी पढ़ी थी, कौन सा मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन है 78.08%, सेकेंड ऑप्शन था ऑक्सीजन, तो ये ध्यान में रखना। लेकिन अर्थ की बात की है तो अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, तो ध्यान में रखना अर्थ के अंदर जो मोस्ट अब्रेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, और एटमोसफेयर में क्या है, नाइट्रोजन है। इसी के सारे ऐसे इस तरीके से लिख लेना, ये आपका ऑक्सीजन इसी को ब्रैकेट में करके अर्थ में लिख दिया, और अगर नाइट्रोजन का ऑप्शन है उसके साइड में लिख दो एटमोसफेयर, तो आपके वहीं के वहीं दो क्लियर क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज सपोज टू कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ, तीनों की बात की थी बहुत सिंपल, कौन कौन सी बात की थी, किस किस की बात की थी मैंने, सियाल, सीमा, निफे, यही बात की थी। सियाल किसमें आपकी, क्रस्ट, सीमा और निफे आपकी कोर। अगर मैं बात करूं इसमें, इसने बोला कि इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ, तो आपका सीधा सीधा देखा निकल और फेरस, फेरस और आयरन एक ही बात है आपका, यहीं पे क्लियर हो रहा है। बाकी ऑप्शन है उनमें ध्यान दो कि आपके कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि किसी और से मिलान करता हो, तो आपका यहीं पे क्लियर हो रहा है। अब ये ध्यान में रख लेना सिलिका दोनों में मिलता है, क्रस्ट और मेंटल में। अब अलग अलग सेम ये जो है ना, इसी तरीके से अगर अपन बात करेंगे ना रॉक्स की, तो वो भी आप कहीं ना कहीं इन्हीं से कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक्स भी आप इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टेक्टोनिक फोर्स इज रिलेटेड टू द बिल्डिंग ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ, तो वो किससे रिलेटेड होगा आपका, अर्थ की क्रस्ट से रिलेटेड होगा, नहीं अर्थ के क्रस्ट से रिलेटेड होगा जो टेक्टोनिक फोर्स है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द हाइएस्ट, कहाँ पे होती है अर्थ का रोटेशन सबसे ज्यादा हाइएस्ट कहाँ पे होता है, 0 डिग्री इक्वेटर पे होता है, अलोंग द इक्वेटर पे। विच वन, और नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ध्यान दीजिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके कौन से मिलती हैं, सबसे ज्यादा क्या मिलता है इनमें से, मैग्नीशियम मिलता है, सिलिका आपका क्रस्ट में, मेंटल में, इग्नियस रॉक दोनों मिलता है, इग्नियस रॉक में मिलता है आपका सिलिका और आपका सेडिमेंट्री मिलता है, लेकिन स्पेशली जो अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम आपका किस में मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, आपके जो ये जो क्वेश्चन बनाया है ना, आप देखना नया वाला जो सिलेबस है ना उसमें बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट मैंसन कर रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैंसन किया हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके पॉइंट टू पॉइंट, माउंटेन प्लेटूज जो भी साइक्लोन टॉर्नेडो सब पॉइंट टू पॉइंट आपके क्या दे रखे हैं, डिटेल से दे रखे हैं, आप देख सकते हो उसको। इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी कहाँ से थ्रू आउट होती है, बेरिंग स्टेट से। अब इसको आप गूगल पे देखना, जो आप वर्ल्ड मैप में आप ध्यान दोगे तो आपकी पैसिफिक और आर्कटिक ओशन, पैसिफिक और आर्कटिक ओशन की लोकेशन आपको पता ही है, कहीं बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ वर्ल्ड के मैप में, ओवरऑल में बात करूं तो ये आपका पोर्शन किसका है, पैसिफिक, ये आर्कटिक ओशियन का, और ये वाला पैसिफिक
और ये वाला ओशियन आपका किसका है, पैसिफिक ओशियन का है। इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, तो एक बैरी स्टेट एक करके जगह है जिससे क्या होती है ये थ्रो आउट होती है। इसी में एक ऑप्शन दिया है ग्रीनविच दे रखा है, तो ग्रीनविच आपको पता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेडिटेरियन लाइन जिसको बोलते हैं, ध्यान दो 0 डिग्री ग्रीनविच पता ना। जो ये वाली जो बताई थी लेटीट्यूड वाली, ये 0 डिग्री आपकी क्या है इक्वेटर है, और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये आपकी क्या है ग्रीनविच लाइन जिसको बोलते हैं, जो लंदन में एक वैधशाला से होकर के निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग, तो वो क्या रहेगी आपकी, क्या होगा, नहीं एपिलियन, इसने पूछा ग्रेटेस्ट नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट या फर्देस्ट, दोनों लिख सकते हैं, फर्देस्ट भी लिख सकते हैं और नियरेस्ट भी लिख सकते हैं। आप ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, इस तरीके से ये माइन्यूट माइन्यूट आप अगर करोगे तो पेपर को होपचोप होते देर नहीं लगेगी, बता रही हूँ मैं अभी आपको, बहुत थोड़ा सा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो डिस्टेंस है अर्थ से सन की, जो ग्रेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी है वो क्या आपकी, मैंने दो ही चीज़ें बताई थी आपको, दोनों नाम दे रखे हैं एपिहेलियन और एक था आपका पेरिहेलियन, दो चीजें बताई थी एपिहेलियन की आपकी सन से फर्दस्ट दूरी, और ये पेरिहेलियन क्या है नियरेस्ट, सबसे कम जो दूरी है वो आपकी क्या है पेरिहेलियन। P4 सिंपल याद रखो, P4 पास, जो सबसे पास में पेरिहेलियन, और एपिलियन जो सबसे अधिक दूरी पे है वो आपकी क्या है एपिलियन है। यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो कितनी जुलाई को बनती है, 4 जुलाई को, और यहाँ पे बनती है आपकी 3rd of January को, पता है, क्लियर है ना। अब यहीं पे है ना आपके पूरे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, 4th of July और 3rd of January एपिलियन पेरिहेलियन फर्देस्ट सन से अर्थ की। अब ये भी ध्यान में रखना है एपिलियन क्या है सन से फर्देस्ट दूरी है, जो डिस्टेंस है वो है, और जो नियरेस्ट है वो आपकी क्या है पेरिहेलियन है। अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द शॉर्टेस्ट डे फॉल्स ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बहुत सिंपल आंसर है, आप ध्यान देना, सारे ऑप्शन दे रखे हैं 21 सितंबर, 4 मार्च, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, एक शायद मैं भी अपन ने क्लास में डिस्कस भी किया था, क्या डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया गया था, क्या डिस्कस किया गया था, यस वीरेंद्र, बात की थी अपन ने जो अर्थ का रोटेशन होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के बिटवीन टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहीं तक होता है। मैंने लोकेशन बताई थी कि कब कब क्या क्या डिस्टेंस या क्या क्या किस किस टाइम पे बनती है, मार्च और सितंबर में आपका कहाँ पे रहेगा, हर 3 मंथ्स में क्या होता रहता है रोटेट होता रहता है, तो रोटेट होगा, तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है यहाँ पे 21st of March, उसके बाद 3 मंथ में यहाँ पे कब कब जाएगा 21st June को, जो राइट नाउ है, जो सबसे ज़्यादा जो सन की रेज हैं डायरेक्ट अर्थ पे कहाँ होती हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे मोमेंट चल रहा है, अर्थ रोटेट हो रही है उसी का, देन उसके बाद फिर सितंबर में वहाँ कहाँ पे वापस इक्वेटर पे, और वापस सब कहाँ पे आते हैं इस वाले पोर्शन में आते हैं, तब आपका यहाँ पे क्या रहता है December 22 यहाँ पे दिसंबर रहता है, देन अगेन दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च में आपका 21st March को वापस आपका कहाँ पे रहता है इक्वेटर पे रहता है, हर 3 मंथ्स में क्या होता रहता है, और इसी की वजह से सीजन चेंज होते हैं, इस रोटेशन की वजह से सीजन चेंज होते ही रहते हैं, इसी की वजह से ही आपके जो भी आपके डे नाइट का जो बनना है सब सारी चीज़ें होती हैं वो सारी केस में होती हैं, इसी वजह से होते हैं। अगर मैं शॉर्टेस्ट डे की बात करूँ नॉर्थन हेमिस्फीयर की, दोनों हेमिस्फीयर की अपने बात की थी, ये आपका कौन सा हेमिस्फीयर था, नॉर्दर्न था, ये आपका
सदन था। अब इसमें शॉर्टेस्ट कब होगा, शॉर्टेस्ट डे कब सा कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट डे कौन सा होगा। अब सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा चल रहा है, जून में चल रहा है, क्योंकि जो दिन होता है वो क्या होगा, सन की रेज डायरेक्ट आ रही है तो बड़ा दिन होगा और रात क्या होंगी, छोटी होंगी। कब, अब जून वाले में। लेकिन जब सन कहाँ पे रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहेगा, तो ये वाला पार्ट है यहाँ पे किस में आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन रहेगा आपका, विंटर सीजन रहेगा। विंटर सीजन रहेगा तो विंटर सीजन में आप ध्यान दो कि सबसे छोटा जो दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है कब, 22 दिसंबर को होती है, और सबसे दिन अपने आप में क्या हो जाएगा, अपने आप ही शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा। तो डे में कन्फ्यूज नहीं होना, ये एज इट इज बना लेना, आपकी ये कंडीशन एज इट इज बना ले, बस थोड़ा सा इसमें अपना माइंड लगाना किस प्रकार से आंसर किस हिसाब से पूछ रहा है। ये नहीं हो कि दिसंबर का दे रहा है तो आप कहाँ पे कर दोगे, सदर्न, ये बात कर रहा सदर्न हेमिस्फीयर की, लेकिन अपने को क्वेश्चन कहाँ पूछा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पूछा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या पूछा है कि सबसे शॉर्टेस्ट डे, इट मीन्स शॉर्टेस्ट डे कब होते हैं, सिंपल दिमाग में रखो कि दिन छोटे कब होते हैं, सर्दियों में होते हैं, विंटर में होते हैं। विंटर में होंगे तो उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जब कंडीशन बनती है वो कब बनती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात अगर मैं बात करूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बनती है, और ये कब बनती है अपनी विंटर में बनेगी। विंटर में आपका तीन ही डेट आपको याद रखने हैं, मार्च, सितंबर और दिसंबर और जून, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। इसके अलावा आपको डेट कन्फ्यूज नहीं करनी, किसी भी डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। 21 मार्च को आपको कहाँ पे रहेगा, इक्वेटर पे रहेगा। 21 जून को कहाँ पे रहेगा, 1 जून को कहाँ पे रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा। फिर सितंबर में कहाँ पे रहेगा, इक्वेटर पे रहेगा। फिर दिसंबर में कहाँ पे रहेगा, 22 दिसंबर को कहाँ पे रहेगा आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहेगा। चार ही डेट याद रखने, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट सारी चीज़ें आपकी यहीं पे ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रॉक्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप, अपने थ्री ग्रुप्स की बात की थी, किस किस की बात की थी, इग्नियस रॉक की बात की थी, सेडिमेंटरी रॉक्स की बात की थी, और आपकी मेटामॉर्फिक की बात की थी। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे, आप लोगों ने याद किया है, रिवाइज किया है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसमें से आंसर। सैल, लाइमस्टोन और सैंड, मैंने बताया था स्टोन, स्टोन जिसमें आ रहे हैं वो आपकी किस में आ जाएगी, सेडिमेंटरी रॉक्स में आ जाएगी। आपका सही है बेटा ये क्वेश्चन, आपका सही है ये क्वेश्चन। तो आप सैल, लाइमस्टोन और सैंड स्टोन तीनों आपकी किसके एग्जाम्पल हैं, तीनों को ब्रैकेट में करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, किसके, सेडिमेंटरी रॉक के लिख सकते हो। इसी से क्लियर हो रहा है कि आपके एग्जाम्पल किसके हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स के हैं। और स्लेट आपका किससे बन रहा है, स्लेट आपका है मेटामॉर्फिक, स्लेट जो एग्जांपल है वो किसका है, मेटामॉर्फिक का है। और स्लेट बनती से कन्वर्ट होकर के है, सेल से कन्वर्ट होकर के आपकी ये जो सेल है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी सेडिमेंटरी रॉक्स है। सेडिमेंटरी रॉक्स है, यही कन्वर्ट होकर सेल से क्या बन रही है, स्लेट बन रही है। क्लियर है, सेल से कन्वर्ट होकर के क्या बन रही है, स्लेट बन रही है। इसी में सारी ये आपकी, ये कौन सी है आपकी, मेटामॉर्फिक। ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, बताया था इग्नियस की अलग कंडीशन थी, सेडिमेंटरी रॉक्स की अलग कंडीशन थी, और मेटामॉर्फिक की अलग कंडीशन थी। तो ये आपका एग्जांपल किसका हो गया, सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जांपल हो गए, और बाकी ये डिफरेंट किससे है, आपका मैच किससे नहीं हो रहा, ये आपका इस वाले से है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लास्ट अगेन क्वेश्चन की, क्वार्टरजाइट इट इज मेटामॉर्फ, मेटामॉर्फ फ्रॉम किससे बनता है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट किससे बनेगा, किससे बनेगा, सैंड स्टोन से बनेगा। लाइम स्टोन से क्या बनेगा, मार्बल बनेगा। लाइमस्टोन से क्या बनेगा, मार्बल बनेगा। सैंडस्टोन से क्या बन जाएगा, आपका क्वार्टजाइट बन जाएगा। और सेल से अभी भी मैंने बताया था क्या बनेगा, स्लेट बन जाएगा। तो ये बाकी एग्जांपल किसके हैं, सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, मेटामॉर्फिक के हैं, जो किससे क्या बन रहा है, लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से आपका क्वार्टजाइट बन रहा है, और सेल से आपका स्लेट बन रहा है, कन्वर्ट हो रही है। बताया था कि इग्नियस और सेडिमेंटरी दोनों का मिलकर के जो नया रूप बनता है, नया जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के भी तीन रूप बताए थे मैंने, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, पीवीटी याद है, पीवीटी याद है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों की फॉर्मेशन से जो बन करके आती है वो कौन सी रॉक होती है, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है।
नेक्स्ट में अगर बात करूँ एन अपलो एफ फॉल्ट इन रॉक इज, तो आपका यह क्या होगा, एफ फॉल्ट रॉक कौन सी होती है, ये एक प्रकार से आप डायग्राम आप देख सकते हो। मान लीजिए आपका माउंटेन का पार्ट है या अपन ने कोई फोल्डेड माउंटेन की अपन ने बात की, ध्यान दीजिए अप फोल्ड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है आपका, अप फोल्ड पार्ट, ऊपर का पार्ट है जो फोल्डेड माउंटेन का, ये आपका क्या कहलाएगा, एंटीक्लाइन। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, सिंक्लाइन। इसी में ऑप्शन दे रखा है एक सिंक्लाइन का, इसी में एंटीक्लाइन का ऑप्शन दे रखा है, तो आपका एंटीक्लाइन क्या रहेगा आपका, ये आपका एंटीक्लाइन का ऑप्शन है, ये एंटीक्लाइन है आपका अपफोल्ड पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है, ये दोनों केस का एग्जांपल है एंटीक्लाइन का। और जो नीचे वाला, जब कोई भी भाई कोई भी स्ट्रक्चर वो यू बनकर यू ही तो जाते हैं माउंटेन की, तो ये वाला पार्ट आपका किसका कहलाएगा, सिंक्लाइन का कहलाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर, बहुत बार पूछ जाने वाला क्वेश्चन है, लिथोस्फेयर का किसका एग्जाम्पल है, विवेक, क्रस्ट एंड अपर मेंटल का पार्ट है। अपन ने मेजरली तीनों की बात की थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात की थी। लिथोस्फेयर में एक अनदर आपका क्या थी, टर्मोलॉजी थी जो आपकी इससे रिलेटेड नहीं थी। अपन ने डिसकॉन्टिन्यूटी की बात की थी, उसमें अपन ने देखा था कौन कौन सी थी, मोहो और गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी थी। तो मोहो किस किस को अलग कर रही थी, रिवाइज करो आप लोग, मोहो किस किस को अलग कर रही थी, क्रस्ट और मेंटल को कर रही थी, और गुटेनबर्ग किसको कर रही थी, मेंटल और कोर को कर रही थी। लास्ट क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि अपर मेंटल का जो डिसमेंटल वाला पार्ट है, जो बिल्कुल आपने आंसर लिखा था LVZ, लो वेलोसिटी जोन वाला जो पार्ट, उस पर एक नाम बताया था मैंने, एक टर्मोलॉजी दी थी, उसको क्या बोला था, एस्टोनोस्फेयर। दो स्फेयर की बात की यहाँ पे, लिथोस्फेयर की और एस्टोनोस्फेयर की बात की थी। एस्टोस्फेयर आपका कौन सा पार्ट था, आपका अपर पार्ट है मेंटल का, जो प्लास्टिक नेचर टाइप का है, जिसमें से वॉल्केनो का, मैग्मा क्या होता है, इरप्शन होता है, वॉल्केनो और अर्थक्वेक जो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ से इरप्शन होते हैं, उसी वाले पार्ट से होते हैं। बिल्कुल लो वेलोसिटी वाला पार्ट होता है, लो वेलोसिटी जोन वाला पार्ट होता है, उसको बोला था एस्टोनोस्फीयर। और उससे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला था, जो क्रस्ट, पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पार्ट है, उसको मिला करके बोला था लिथोस्फीयर। दो स्फीयर की यहाँ पे अपन ने बात की थी, ठीक है, डन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन की डिस्टेंस आपको लिखवाई हुई थी, बिल्कुल सिंपल 149 किलोमीटर है एवरेज जो है। जी जो स्टूडेंट है अंकुर, इन्होंने अलग से लिखा कि एग्जैक्ट है वो 147 मिलियन किलोमीटर लिख रही है, लेकिन एग्जैक्ट आपकी 147 मिलियन किलोमीटर नहीं है, एग्जैक्ट आपकी क्या है, 149 मिलियन किलोमीटर ही है। आपकी एपीहेलियन और पेरीहेलियन में इसकी डिस्टेंस क्या होती है, वेरी करती है। कैसे वेरी करेगी, एपीहेलियन के टाइम में क्या होता है अपनी फर्देस्ट, तो कितनी हो जाएगी, 152 मिलियन हो जाएगी। और सबसे नियरेस्ट होता है सन अर्थ के, कब, 3rd of January को, तब क्या होता है, 147 मिलियन किलोमीटर होती है। तो ये ध्यान में रखना, एवरेज जो आपकी आई जाती है वो क्या पाई जाती है, 149 मिलियन किलोमीटर हो सकती है, सॉरी होती है। एपी एलियन में आपकी कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर, और पेरी एलियन में कितनी होती है आपकी, 147 मिलियन किलोमीटर होती है। और एवरेज अगर बात की जाए, अर्थ टू सन की डिस्टेंस की, तो वो कितनी होगी आपकी, 149 मिलियन किलोमीटर होगी, ये आपकी क्या रहेगी, एवरेज रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, द सन इज ग्लोइंग सरफेस इज नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको, जो सन इज ग्लोइंग सरफेस इज द इज नॉन एज, क्या बोलोगे उसको, फोटोस्फेयर। चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए आपको, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर तो आपको बताया किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। फोटोस्फेयर है आपकी सन की 7 लेयर है, जैसे अपन ने अर्थ की लेयर की बात की थी ना, तो कितनी लेयर की बात की थी अपन ने, 3 लेयर की बात की थी, किस किस की, क्रस्ट, मेंटल, कोर की बात की थी। ऐसे में अगर बात करूँ
तो आपके सन की लेयर की बात करूं तो जो आपका इंटर पार्ट होता है, जैसे किसका अर्थ का होता है, सेम ध्यान दीजिए, अर्थ का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आपने अपने क्या बोलते हैं, कोर। वही सेम सन का क्या था, सन की भी 7 लेयर होते हैं। मेजरली अपन 4 लेयर के बारे में बात करते हैं मेजर रूप से। तो ये इनर वाला पार्ट है वो आपको क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। सेम अगर मैं इसी की बात करूँ तो सबसे बाहरी जो लेयर है, सबसे बाहरी जो लेयर है, बहुत ही फेमस नाम है, आपको बहुत अच्छे से पता है, कोरोना। इस आउटर, सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है, कोरोना है। क्लियर है? इस कोरोना के बाद जो लेयर है, कोरोना के बाद जो लेयर है ये आपकी क्या कहलाती है, क्रोमोस्फेयर। और इसी का ये जो, ये बिल्कुल, ये जो आपकी इस कोरोना की बात कर रहे हैं तो ये आपकी क्या है, ये कोरोना की लेयर क्या है, बिल्कुल इस, ये आउटर लाइन जो बनी हुई है ये भी सबसे बाहरी लेयर है, इसको कोरोना बोलेंगे। ये वाली जो लेयर है इसको क्रोमोस्फेयर बोलेंगे। इसी का ही ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, फोटोस्फेयर। इसको क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर बोलेंगे। और क्रोमोस्फीयर पता चल गया, हाइड्रोस्फीयर आपका वाटर से, ओशन से रिलेटेड है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथफाइंडर मिशन आपका किसको एक्सप्लोर करके आया है, मर्स को करके आया है। आपको पता है यूएसए का एक जो आपका रेड प्लेनेट है, मर्स है, उस पर एक 7 डेज का एक मिशन था, जो कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, ग्रेविटी कितनी है, और बहुत सारे किस किस टाइप के मिनरल्स हैं, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, क्या है क्या नहीं, किस कौन सी गैसेस वहाँ पे उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो सब सारी चीज़ों की एक स्टडी करने के लिए जो आपका पाथ फाइंडर था, मिशन था, उसको किसने लॉन्च किया था, यूएसए में एक लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में अपने ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत है नहीं, बस पता रिलेटेड किससे है आपके, मर्स से रिलेटेड है। अच्छा ये भी ध्यान में रखना कि जो आपका रेड प्लेनेट, मर्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट ही बोलते हैं, रेड प्लेनेट है। अगर कोई फ्यूच अगर इसी से रिलेटेड कोई, करंट से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि नासा ने ये कहाँ पे परीक्षण किया अर्थ के अलावा, तो आप ध्यान देना कि वहाँ पे आपको अगर मर्स का ऑप्शन मिल रहा है तो वही आपका सबसे ज़्यादा आंसर होंगे, क्योंकि इस प्लेनेट के अलावा कहीं पे और कहीं पे कोई भी स्टडी नहीं चल रही, तो आपके मैक्सिमम जो आंसर होने के चांस होंगे, जैसे आपने करंट में कोई नहीं ध्यान दिया हो किसी चीज़ का और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, ये वाला ही क्लियर करना है। विच वन ऑफ द लेटिट्यूड फॉर्म ए ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल कौन बनाता है आपको बताइए, क्योंकि पोलर एरियाज में तो क्या होते हैं आपका सिंक्रोनाइज हो जाता है, जो डिस्टेंस हो जाती है लेटिट्यूड की, ये आप ध्यान दोगे तो आपकी क्या होती जा रही है, लेटिट्यूड की कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती जाती है, पोलर एरिया में, तो क्या होती जा रही है, डिस्टेंस कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा सर्कल बनता है, ग्रेट सर्कल बनता है, वो कहाँ पे बनता है, 0 डिग्री इक्वेटर पे बनता है। क्लियर रह जाएगा, 0 डिग्री इक्वेटर पे कैसे बन रहा है आप देख सकते हो, क्योंकि पोलर एरियाज क्या हैं, चपटे हुए हैं, और विड्थ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इक्वेटर वाले पार्ट पे। आप ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो सर्कल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर में रहा। इक्वेटर से ऊपर आप जाओगे जैसे जैसे क्या होती जाएगी, उसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी। जनरली मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बताई थी आपको, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो एक सर्कल बनता है उसमें कितनी डिस्टेंस बताई थी, 9, 111, 1000 होगा तो कैसे, कितने 90 लैटिट्यूड है, कितनी डिस्टेंस ली जाएगी, 111 पॉइंट कुछ, मतलब 5 थे या 4 थे, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी क्या होती है, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में होती है। और ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री से 1 to 1 से क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है, सर्कल बनी गया अपने आप में, सबसे ग्रेटेस्ट जो आपकी डिस्टेंस होगी वो ग्रेट सर्कल बनाएगा आपका, 0 डिग्री इक्वेटर। आप चारों ऑप्शन देख सकते हो, सारे के सारे आपको क्या दे रखे हैं, 23.5 दे रखा है, 66.5 दे रखा है, 90 पे दे रखा है। 23.5 पे क्या बनता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है। 66.5 पे क्या बनता है, हाँ कैप्रिकॉन कैसे बनेगा, क्या बनता है, आर्कटिक सर्किल बनता है। और साउथ में क्या बनता है, एंटार्कटिक सर्किल बनता है। और नॉर्थ पोल, और आपका 90 पे नॉर्थ पोल, और साउथ में साउथ पोल।
बहुत सिंपल, आप इस चीज़ का प्लीज थोड़ा थोड़ा आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो काम हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी इस तरीके से। नेक्स्ट आपका बनता है द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल दैट इज प्लास्टिक इज नेचर नॉन एज सरफेस इज द मैग्मा, वो अपने ऑलरेडी उस पर बात कर ली थी, वो वाला जो पोर्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, एस्टोनिस्फीयर का होगा, लो वेलोसिटी जोन जिसको अपन बोल सकते हैं, इसी के साथ में आप उसका क्या बोल सकते हो, लो वेलोसिटी जोन था और क्या नाम था उसका, लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी का भी नाम दिया था, क्योंकि लेहमान ने वहाँ पे क्या किया था, सर्च किया था कि ये जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी क्या करती है, इस प्रकार से कवर करती है। ये जो अपर पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी एक्टिविटी होती है, प्लेट टेक्टोनिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं किसमें, जहाँ से जिस एस्टोनोस्फीयर का पार्ट है, जो अपर मेंटल का पार्ट है, आपको बताया था 100 to 200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है, यही बताया था 100 to 200 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है बताया था, उस बिटवीन में क्या होता है सबसे ज़्यादा, जब मैग्मा का इरप्शन होता है, मैग्मा का इरप्शन होगा तो बाहर आकर क्या बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, मैग्मा का इरप्शन होगा तो वो बाहर आकर क्या बनेगा, लावा। नाम ध्यान रखो, क्योंकि आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे क्या करोगे, आप मैं पता नहीं हजार बार तो मैं ये आपको ये ग्लोब बना बना करके बता चुकी, आप अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए हो कि ये जो 66.5 पे आपको क्या बोलते हैं, साउथ में क्या बोलते हैं, ऐसे तो फिर हो गया कल्याण, फिर ये क्लासेस होने का कोई मतलब नहीं, मैं बता रही हूँ आप 20 बार भी देख लोगे ना क्लास तो भी कोई मीनिंगफुल नहीं निकलेगी। अब ये हाल है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बतावा दे ना, फिर मैं ना सर से बात करूँगी इस तरीके से, ये काम नहीं चलेगा, रिवाइज नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप, सिंपल ये पेपर है, इस पेपर को जिसमें जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें से आप लिखो, जो मैंने इसका एनालिसिस किया है, एनालिसिस करना ये होता है, नेक्स्ट टाइम जो पेपर होगा आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे, ठीक। आप वीरेंद्र इस पेपर को मैच कीजिएगा, किस तरीके से एनालिसिस किया, इस तरीके से एनालिसिस करना, नेक्स्ट टाइम आपके आप ध्यान देना कि आपके 3-4 टॉपिक्स जो हो गए पीछे के उनको आपको वापस उठाने की जरूरत, इस तरीके से इसको रिवाइज कर लिया तो, इस तरीके से इसका एनालिसिस कर लिया तो 3-4 टॉपिक आपके डन हो जाएंगे। अब थोड़ा माइंड सेट करो इसको लेकर के, आपको थोड़ा माइंड सेट करना, ये आपका पेपर एनालिसिस का बताया हुआ है, अब अगर मैं ना नेक्स्ट बात करूं तो अपन ने कल कहां पे टॉपिक छोड़ा था, लास्ट टॉपिक अपन ने कहां छोड़ा था बताओ, जेट स्ट्रीम की बात की थी, किसकी बात कर रहे थे, अपन ने साइक्लोन और इनकी बात कर ली थी, सॉरी साइक्लोन की नहीं, अपन ने बात करी थी विंड्स की, विंड सिस्टम पे अपना लास्ट टॉपिक क्या था, विंड सिस्टम था, विंड सिस्टम में अपन ने क्या क्या बात की थी वीरेंद्र, विंड सिस्टम में अपन ने क्या क्या बात की थी, कौन कौन सी विंड्स के टाइप्स अपन ने पढ़े थे, आप रिवाइज क्लास कल कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, 2-3 क्लास जो भी स्किप हुई हैं सबसे पहले आप उनको क्लियर करोगे, यस। परमानेंट विंड्स और सीजनल विंड्स, परमानेंट विंड कौन कौन सी थी, ट्रेड विंड्स, यस वीरेंद्र विवेक, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज, और थर्ड पोलर विंड्स थी, सीजनल का एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा एग्जांपल था, सीजनल जो विंड थे उसका एग्जांपल बताया था मैंने, बेस्ट एग्जांपल बताया कि सीजनल विंड क्या होती है, मैंने बताया था एवरी 6 मंथ में जिनकी डायरेक्शन क्या होती रहती हो, चेंज होती रहती हो, अब ये बताई थी परमानेंट विंड का मतलब आपने समझा हो तो, परमानेंट विंड जो परमानेंट उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन रहेगी, जो डायरेक्शन मैंने आपको बता दी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, तो वो आपकी वही डायरेक्शन रहेगी, वेस्टलीज की साउथ वेस्ट से नॉर्थ,
पोलर की क्या रहेगी, नॉर्थ ईस्ट के साउथ वेस्ट की ओर रहेगी, तो वही आपकी क्या रहेगी लोकेशन और डायरेक्शन रहेगी। ये आपकी थी परमानेंट विंड्स। अगर मैं बात करूँ उसके अलावा सीजनल विंड, तो एवरी सिक्स मंथ में क्या होती रहती है विंड्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा, इंडियन मानसून। यस बताया नहीं, कल आप क्लास में थे, आप क्लास में थे कल, इंडियन मानसून का नहीं बताया था, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं बता रही हूँ आपको क्लास में रिवाइज करने की, बहुत क्लास में आने से पहले आपको रिवाइज करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस तरीके से आओगे क्लास, आपकी क्लास कहीं पे भी मेरे को मीनिंगफुल नहीं लग रही है। मैं सख्त बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं भी मानती हूँ ठीक है जीके का पार्ट है थोड़ा सा रहता है, मैं समझ सकती हूँ पीसीएम के स्टूडेंट के लिए, लेकिन अब आप इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओगे तभी तो इंटरेस्ट डेवलप करोगे, तभी तो इंटरेस्टिंग बनेगा, ये इस तरीके से नहीं बनेगा। और ये तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता आपका इस तरीके से कोई भी रिप्लाई नहीं करना, तो मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इस तरीके से क्लास में। नहीं समझ में आता है अगेन पूछो, नहीं समझ में आता है आफ्टर क्लास पूछो, लेकिन ये नहीं कि जब मैं पूछूं तब आप लोग बिल्कुल ऐसे चुप्पी साधी बैठ जाओ, चुप्पी सादगी बैठने वाला तो काम नहीं चलेगा। कल मैंने बहुत अच्छा सा टॉपिक था अपना विंड का, जो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर उसमें भी आप कुछ नहीं बता पा रहे हो, कि मैंने बोला भी था कि आपको एज इट इज मैप बनाना है, जिनके अपन ने बात की थी वो आपको एज इट इज, जो नाम मैंने लिखवाए थे जिन जिन विंड्स के, उनके कंट्रीज मैंने लिखवाए हैं, कॉन्टिनेंट मैंने लिखवाए हैं, वो आपको क्या बनाने हैं, मैप पे बनाने हैं। बताओ काम किया आपने वीरेंद्र, मैप पे काम किया, उन विंड्स के नाम लिखे, फेयर वर्क किया है नहीं किया, फेयर वर्क कब से नहीं कर रहे हो, कल वाला नहीं हो बाकी हो रखा, चेक करवाना मेरे को आफ्टर क्लास, साथ के साथ ही मैप बना लो, ईजी रहेगा। अदरवाइज तो जितना भी हो रहा ना ये सारा मैसअप होते देर नहीं लगेगा, और आपके पास बहुत ही सिलेक्टेड टाइम होता है, ऐसा टाइम नहीं होता कि आप 3-4 ईयर तक इन सिलेबस को आप करते जाओ, आपके सामने बहुत अच्छे एग्जांपल के रूप में बैठे हैं, पूछ सकते हो, 2 बार एनडीए पास आउट है, ऐसा नहीं है कि भाई पता नहीं, आप बहुत अच्छे से पूछ सकते हो। वो क्राइटेरिया होता है टाइम पीरियड एज लिमिट, सारी चीज़ें आपकी बहुत मायने रखती हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो चीज़ें लैप्स हो जाएंगी आपसे। तो इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है एवरी टीचर जो आपके लिए एफर्ट करते हैं, प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से 1-2% एफर्ट कीजिए, ज़्यादा करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। टॉपिक से भी जो कुछ समझ में नहीं आ रहा उससे पूछो कि ये टॉपिक में मैम पता ही नहीं चल रहा, ऐसे लग रहा है ऊपर से निकल गया, लगेंगे ऐसे टॉपिक, ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, ये 11th क्लास के टॉपिक हैं। और मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं बता रही आपको, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से किसी चीज़ का जो मोमेंट होता है वो कैसे होता है, यही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें भी अगर आप इस तरीके से करोगे तो फिर बैठेगा नहीं, कहने का मतलब यही है सिंपल। प्लीज़ थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट डेवलप करो जीके को, इसके एक्स्ट्रा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ो, नहीं तो क्लास एक बार आफ्टर, ये तो रिकॉर्ड क्लास है, ऐसा भी नहीं है आप दोबारा इसको देख सकते हो, दोबारा रिवाइज कर सकते हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन देखो तो सही, उसको करो तो सही। जेट स्ट्रीम क्या होती है आपकी, जेट स्ट्रीम के बारे में क्या पढ़ा आपने, अपने बात कर ली, विंड की बात कर ली, लोकल विंड्स के नाम अपन ने लिखे, लोकेशन अपन ने लिखी, सारी चीज़ें अपन ने लिख ली थी, लेकिन जेट, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना जेट स्ट्रीम, उन्हीं विंड्स से क्या बनता है, जो एयर का सर्कुलेशन होता है उसी से ये नए नए आपको नाम पढ़ने को मिलेंगे, जेट स्ट्रीम, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, देन आफ्टर टोर्नेडो, अलग अलग जो आपके नाम हैं वो अलग अलग पॉइंट के रूप में दे रखे हैं। जेट का यही था सरफेस वाला एरिया, इसी के ऊपर अपन ने लेयर की बात की थी, अलग अलग लेयर की बात की थी, कौन कौन सी लेयर की बात की थी, ट्रोपोस्फीयर की बात की थी, स्ट्रेटोस्फीयर की बात की थी, मेसोस्फीयर की बात की थी, आयनो की बात की थी, और ये आपका एक्सोस्फीयर की बात की थी, वो किस में हैं, अपर ट्रोपोस्फीयर में और मेजरली आपका
स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल आपके सामने नहीं आते। किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में विवेक, स्ट्रेटोस्फेयर में आपके कोई भी क्या नहीं आते हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आते, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है, कोई भी ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं होती है, थंडरस्टॉर्म वगैरह जो भी आपके तूफान आंधी जो भी सारी चीज़ें होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिसिपिटेशन होना जो भी सन की जो सारी चीज़ें वो आपके कहीं पे हो जाती हैं, इस ट्रोपोस्फीयर में हो जाती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर बिल्कुल क्या होता है? शांत होता है बिल्कुल। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज होकर के कितना हो गया था? 0 डिग्री हो गया था। अब यहाँ पे -45 डिग्री और -80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कहाँ पे हो रहा था? इस ट्रोपोस्फीयर के अपर पार्ट में हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचते पहुँचते इसके टेम्परेचर क्या हो गया था? 0 डिग्री हो गया था। अभी जो 0 डिग्री हो रहा था यहाँ पे इस टेम्परेचर में अगर बात करूँ, यहाँ पे क्या होती हैं, एक वेस्ट टू ईस्ट की साइड बहुत ही स्ट्रॉन्गली और रैपिडली मूवमेंट करती हैं। कौन से? एक एयर का सर्कुलेशन बनता है। जो एयर का सर्कुलेशन बनता है वो एक नैरो बेल्ट में बनता है, ऐसा नहीं है, वो एक उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। नैरो बेल्ट होता है बिल्कुल 5 to 10 किलोमीटर के आसपास, इतने एक ऐसा बेल्ट होता है जिसमें वेस्ट टू ईस्ट की ओर जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। यूएसए से इंडिया की साइड या एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में, जब यूएसए में, शायद यूएसए की बात है, जेट विमान जो होते हैं जब अपन पढ़ते हैं उनका क्या रहता है, एक मोमेंट फ्लाई कर रहे थे वहाँ पे क्या हुआ था, जो जेट थे उनकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, क्योंकि ये जो वेस्टर्लीज हैं ये क्या करते हैं? रैपिडली मूव करते हैं, स्पीड से मूव करते हैं, वाइंडेबल है। वाइंडेबल का मतलब समझते हो? घुमावदार, मूविंग करने वाले। तो ये कहाँ पे कर रही थी? इस ट्रोपोस्फीयर में कर रही थी। वो कम हाइट पे क्या कर रहे थे? जेट अप के क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। तो ये जो वेव्स थे इससे पता चलाया था, तभी उनका नाम क्या रखा था यहाँ पे, क्या रहता, जो आपका एयरक्राफ्ट है जो जिसको जेट बोलते हैं हिंदी में, वो क्या कर रहा था यहाँ पे, उसका मूवमेंट हो रहा था कहाँ पे? अपर ट्रोपोस्फीयर में। कहाँ पे हो रहा था? अपर ट्रोपोस्फीयर। अपर ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या आता आपका? स्ट्रेटोस्फीयर आता। तो स्ट्रेटोस्फीयर में तो आपको बताया कि जेट विमान वगैरह जो भी होते हैं आपके एयरक्राफ्ट वगैरह का मूवमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। इस अपर ट्रोपोस्फीयर के पार्ट में क्या है कि एक ऐसा बेल्ट आया था, एक ऐसा बेल्ट है जो क्या हुआ था, फास्टली रूप से मूव कर रहा था। तो जो जेट वहां से मूव करके जा रहे थे उनको ये आभास हुआ, जो फाइटर थे, जो सॉरी पायलट थे, वो जब उन्होंने ये चीज़ फील की कि इस पर्टिकुलर अगर बेल्ट में अपना जो मूवमेंट हो रहा है किसका, एयरक्राफ्ट का, उस पर क्या हो रही है, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर है, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर बन रही है जो इसको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। अगर सामने कोई बड़ा बादल आ जाता, कई बार आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा क्लाउड होता है ऐसा स्ट्रक्चर में, तो उसमें अगर उससे भी हीट हो जाता है क्या आपका एयरक्राफ्ट, बहुत बार ऐसा अपना हो जाता है। हिल माउंटेन वाले एरियाज में आपने ध्यान दिया होगा, कई बार ही आपने देखा कि बहुत बार क्रैश हो जाता है। तो ऊपर की साइड से जो उसको मूव कर रहे थे, तो उस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया था? जेट स्ट्रीम रख दिया गया, क्योंकि वहाँ से जेट का मूवमेंट होता है, उसी वजह से इस जो स्ट्रीम है, ये जो विंड का जो एयर का सर्कुलेशन है, इसका नाम क्या रख दिया था? जेट स्ट्रीम नाम रख दिया था। ये आपका इसका जो एरिया है, जो पाथ है, वो आपका क्या है? वेवी है और मिएंडरिंग है। मिएंडरिंग का मतलब होता है घुमावदार है। क्लियर है जेट स्ट्रीम के बारे में? अब इसको एक स्टोरी सी बना करके अपने माइंड में रखो कि जेट स्ट्रीम क्या था, कहाँ पे इसका मोमेंट होता है, कहाँ पे ऐसा सर्कुलेशन बनता है, जो आपका वो कैसा बेल्ट होता है, बिल्कुल नैरो बेल्ट होता है और बहुत ही रैपिडली और फास्टली इसमें कहता है। मैं लिटरली बता रही हूँ आपको क्लास में, इतनी ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ कि आपके 50% माइंड में वो यहीं के यहीं आपके याद हो जाए। बाकी इसमें बताने के लिए बहुत डीपली स्टडी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए वो कोई भी वर्थफुल नहीं है, क्योंकि आपके सिंपल पूछा जाए कि जेट स्ट्रीम की लोकेशन कहाँ पे होगी, तो आप इजीली बता सकते हो अपर ट्रोपोस्फीयर का जो पार्ट है वहाँ पे होगी और ऐसा ऐसा होता है। अब मैं आपको बिल्कुल इफेक्ट बता दूँ, ऐसे तो आप MCQs ही पढ़ सकते हो, MCQs मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, आप जितनी पब्लिकेशन है उनमें सारे टॉपिक वाइज MCQs सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज आपके सामने आए, क्वेश्चन किसी भी तरीके, आपको अगर कंटेंट का पता है, कॉन्सेप्ट का पता है कि ये आपका टॉपिक है, ये आपका पॉइंट है और ये जेट स्ट्रीम की ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ये बनता है, इस पार्ट में ये बनता है, तो आप इजीली उसमें से घुमा करके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले वो आपका क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लिखने में आपको फिर क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। लिखो आप जेट स्ट्रीम के बारे में, द स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली
स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली मूविंग सर्कम पोलर वेस्टर्लीज CIRCUM द स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली मूविंग विवेक राइट डाउन करो सर्कम पोलर वेस्टर्लीज एयर सर्कुलेशन इन नैरो बेल्ट ऑफ ए फ्यू 100 किलोमीटर विड्थ इन द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इट्स कॉल्ड जेट स्ट्रीम। क्या नहीं बात है, आपको माइंड में रखनी है, अपर ट्रोपोस्फेयर में है, 100 किलोमीटर में है, और जो मूव करते हैं वो स्ट्रॉन्ग और रैपिडली मूव करते हैं, और पार्ट किसका आपका। अब ये स्टोरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि जो जेट स्ट्रीम है इनका नाम कैसे पड़ा, बस ध्यान में रख सकते हो कि अपर ट्रोपोस्फेयर का पार्ट था, और स्ट्रेटोस्फेयर में जेट का क्या होता है, एयरक्राफ्ट का मूवमेंट होता है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, जेट स्ट्रीम नाम इसका रखा गया। दिस पाथ इज वेवी एंड मीएंडरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोन क्या होता है, बार बार आपने नाम सुना होगा, साइक्लोन, ये साइक्लोन आ गया, वो साइक्लोन आ गया, कभी अरेबियन सी में आ रहा है, कभी आपका बिहार बंगाल में आ रहा है, कभी इंडियन ओशन में आ रहा है, आते रहते हैं साइक्लोन, न्यूज पेपर पढ़ते हो, नाम सुना है, क्या होता है साइक्लोन। जो जनरली आपको जनरली थिंग पूछ रही हूँ, मैं कोई ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं पूछ रही, जनरल थिंग आपके माइंड में क्या आता है साइक्लोन को लेकर के, जो टकराती हैं, ठीक है, चक्रवात होता है, नो डाउट, क्या वेव्स टकराती हैं, एरिया कैसा बनता है, सर्कल में बनता है, लेकिन किस तरीके से डायग्राम को चाहता है। कई बार आपको साइक्लोन का कुछ, अगर आप न्यूज में देखते हो, टीवी पे देखते हो, या आप पेपर में भी देखते हो, तो ये जो एरिया होता है, ये पर्टिकुलर एरिया होता है, ये किस प्रकार का जोन बनता होगा यहाँ पे, ये इस तरीके जो सर्कुलेशन बनता है। अच्छा, गांव में नाम सुना, कभी भंवर नाम सुना, भमोलिया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सिटी में भी कई बार आपने देखा होगा, एक ऐसा सर्कल बनता है, वो आपका आपका आप किसके रूप में उसको कंपेरेटिवली आप किसके रूप में देख सकते हो, आपको साइक्लोन के रूप में देख सकते हो। इस साइक्लोन का जो सर्कल होता है वो इस तरीके से ही बनता है। अब ये जो बनता है, ये जो पर्टिकुलर जोन होता है वो आपका किसका जोन होता है, किसका जोन होता है, लो प्रेशर, क्या बताया, ये आपका क्या रहेगा। अब ध्यान में रखना, ये जो आपका ये दोनों जो कंडीशन है, एक में लो प्रेशर जोन रहेगा और एक में क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। इस एलपी और एचपी समझ जाओगे ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर का जोन होगा वो आपको क्या रहेगा, आपका साइक्लोन की कंडीशन बनेगी, और इसमें सेंटर पॉइंट की बात हो रही है, यह आपका कहीं भी हो सकता है, सेंटर पॉइंट आपके अर्थ के सरफेस पे भी हो सकता है। आपका साइक्लोन, मोस्ट ऑफ द साइक्लोन आपके कहाँ पे होते हैं, वाटर में होते हैं। अब अगर इंडिया के रिगार्डिंग मैं बात करूँ तो इंडिया में साइक्लोन ही बोला जाता है, अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग होते हैं, कहीं पे जैसे चाइना में टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली बोलते हैं, कहीं पे टोर्नेडो बोलते हैं, कहीं पे कुछ इनके अलग अलग नाम होते हैं, हरिकेन, प्रिगेन, बहुत सारे नाम होते हैं, वो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग उनके नाम दिए जाते हैं, लेकिन इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। दो कंडीशन बनती है, एक साइक्लोन की, एक एंटी साइक्लोन। अब एक चीज अगर इस तरीके से हो रही है तो एंटी में आप समझते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वो उधर वाली एंटी क्लॉकवाइज, वो उसके बिल्कुल अपोजिट होगी। साइक्लोन में हमेशा लो प्रेशर का जोन होता है, और विंड की खास बात क्या बताई थी मैंने, विंड की खास बात मैंने क्या बताई थी, हाई प्रेशर से मूव किधर करती है, मैंने फर्स्ट लाइन लिखवाई थी आपकी कि एयर क्या होती है, एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होना ही क्या अपने आप में, वही क्या आपकी विंड है। तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जिसका
मुंह होता है। अब ये जो जोन बनता है वो लो प्रेशर का बनता है, और ये किसका बनता है, हाई प्रेशर का जोन बनता है एंटी साइक्लोन में। ये आपका कौन सा, आपका एंटी साइक्लोन है। और ये आपका क्या है, साइक्लोन है। जनरली समझने के हिसाब से छोटा सा सर्कल बना करके लिखो ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए, डेफिनेशन भी नहीं याद रहे। सेम इसी तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बना लो कि जो सर्कल अंदर से बाहर की ओर आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है, लो प्रेशर का जोन हो रहा है। और ये जो प्रेशर, हवा का जो प्रेशर इस तरीके से होता है, वायु का, हवा का या वाटर का, पानी का जो सर्कल बनता है वो हाई प्रेशर का बनता है, वो आपका क्या रहेगा, एंटी साइक्लोन होगा। एक डेफिनेशन के आप रूप में आप इसको लिख सकते हो, साइक्लोन और द, या फिर डायरेक्ट लिखो द विंड सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। द विंड सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया, ए लो प्रेशर एरिया इट्स कॉल्ड साइक्लोन सर्कुलेशन। और इसी का ही हाई अराउंड ए हाई इट्स कॉल्ड एंटी साइक्लोन। देन अराउंड ए हाई इट इज कॉल्ड एंटी साइक्लोन। इसका जो क्वेश्चन बनता है साइक्लोन में, अपन तो डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। एक तो पता चल गया आपको कि साइक्लोन की कंडीशन कहाँ पे बनती है और एंटी साइक्लोन की कंडीशन कैसे बनती है। लो प्रेशर का एरिया साइक्लोन, एंटी साइक्लोन का क्या रहेगा, हाई प्रेशर का एरिया। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। जो विंड का जो मोमेंट होता है वो अलग अलग होता है, हाई टू लो होता है, लो टू हाई होता है। ये अपन करेंगे कल, बात करेंगे इसमें। इसका एज इट इज आपको पैटर्न बताऊंगी कि जो विंड का पैटर्न होता है वो आपका कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, नॉर्दर्न में कैसे होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है, साइक्लोन की क्या कंडीशन बनती है और एंटी साइक्लोन की कंडीशन क्या बनती है। क्लियर है?